विश्व शर्मा के एक फैसले को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर सामने आ गए हैं। दरअसल असम में विधानसभा में जुमिया ब्रेक पर ब्रेक लगने के बाद अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। दो घंटे का ब्रेक असम विधानसभा में पहले जुमे की नमाज के लिए दिया जाता था, जिसे हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने खत्म कर दिया है और उनका यही फैसला विरोधियों को मौका दे रहा है। बिहार से लेकर यूपी तक सियासी बोल बोले जा रहे हैं। आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हिमंता बिस्व शर्मा के इस फैसले पर विरोध जता रही है। आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी तक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो हिमंता को योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ गई है, मुसलमानों को हर तरफ से टारगेट कर रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी ने हिमंता को मुसलमानों का दुश्मन बता दिया है। तो देखिए, आप हिमंता के फैसले पर कैसे खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है वो आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हिमंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चाइनीज वर्जन है, तो वहीं असदुद्दीन वैसी भी साफ कर रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मन है बीजेपी हिमंता बिस्व शर्मा। दरअसल असम विधानसभा में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए विधायकों और कर्मचारियों को दो घंटे का ब्रेक दिया जाता था। ये प्रथा साल 1937 से चली आ रही थी, जिसे मुस्लिम लीग ने के सैयद सादुल्ला ने शुरू किया था, लेकिन अब हिमंता बिस्व शर्मा ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। अब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। हिमंता ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के एक और नियम से आजादी मिल गई है और इससे विधानसभा की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। दो घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है ज़रूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो दो घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमिटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है, सब ने ये डिसाइड किया है, सब ने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का। तो हिमंता को तो आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी हुकूमत वाले एक और नियम को आपने खत्म कर दिया, इससे विधानसभा की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उनका ये बयान विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। मुस्लिम वोटर्स की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी अब जमकर विरोध कर रही है और इस कड़ी में सबसे आगे है आरजेडी से तेजस्वी यादव, जो ये कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हिमंता बिस्व शर्मा ऐसे फैसले ले रहे हैं। दरअसल वो मोदी और शाह से अपनी नजदीकियों को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे फैसले लिए गए हैं जो पूरी तरीके से मुसलमान विरोधी हैं। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, और ये भाजपा के लोग गोने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल, किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में को भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था, अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माइक लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। अब देखिए, आपने सुना कि एक एक करके जो तमाम विपक्षी दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद AIUDF ने इसका विरोध किया है। इसके साथ ही साथ अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी इस फैसले पर अपना मत रख रही है और इस फैसले को मुसलमान विरोधी बता रही है। AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि हिमंता सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, ये विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, विकास के मुद्दों पर ये फेल हो चुकी है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान वाले फैसले लिए जाते हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है। AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि हिमंता सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है,
असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे, अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, हम लड़ेंगे, हम आसामी लोगों के लिए, आसाम के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए हम लड़ेंगे विधानसभा में। जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्व शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते उसमें सब, इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर दो घंटे में मुसलमान इंसान चाहता है जुम्मा के दिन एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है। भाजपा सरकार डेवलपमेंट विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है, बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो।